हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी बॉलीवुड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म दुलारा के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, दुलारा एक हिंदी भाषा की क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे 28 जनवरी सन 1994 को रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म में हमें नज़र आए थे गोविंदा, करिश्मा कपूर, फरीदा जलाल, रंजीत, राकेश बेटी, सत्यजीत, अवतार गिल, जावेद खान, तेज सापरू, विकास आनंद, दिलीप ताहिल और गुलशन ग्रोवर जैसे बेहतरीन कलाकार। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था विमल कुमार ने। स्टोरी और डायलॉग्स लिखे थे सतीश जैन ने। म्यूजिक दिया था निखिल विनय ने। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में 6 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी प्यारी आवाज़ से सजाया था उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, साधना सरगम और गोविंदा ने। गानों के बोल थे सिलसिला शुरू हो गया प्यार का, तुमसे तुम्ही को चुरा लिया, दिल में दुआओं में, साजन रे साजन कहता है, कल कहीं कॉलेज में मेरे और दिल यहीं कहीं खो गया। आइए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का बजट 1,80,00,000 रुपए था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 29,00,000 रुपए की कमाई करी थी और अपने पहले हफ्ते में 1,40,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था और पूरे इंडिया में 3,91,00,000 रुपए की कमाई करी थी और वर्ल्ड वाइड में 6,62,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 2 घंटे 54 मिनट की इस फिल्म को पॉपुलर वेबसाइट IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है और ये फिल्म सन 1994 में कमाई करने के मामले में 28वें नंबर पर थी। अगर हम सन 1994 की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर थी सलमान खान और माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन। दूसरे नंबर पर थी नाना पाटेकर, डिंपल कवाड़िया, अतुल अग्निहोत्री और ममता कुलकर्णी की फिल्म क्रांतिवीर। तीसरे नंबर पर थी गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा बाबू। चौथे नंबर पर थी नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म मोहरा। पाँचवें नंबर पर थी अक्षय कुमार, सैफ अली खान और शिल्पा शेट्टी की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस फिल्म का टाइटल पहले अपने दम पर रखा गया था लेकिन बाद में कुछ कारण से इसे बदलकर इसका टाइटल दुलारा रख दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, सन 1990 में अनिल कपूर को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था लेकिन किसी वजह से बाद में उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था और फाइनली इसके बाद गोविंदा को साइन किया गया था और गोविंदा इस फिल्म में काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। फैक्ट नंबर 3, 90 के दौर में रंजीत बहुत ही कम फिल्मों में पॉजिटिव रोल निभाया करते थे और इस फिल्म में भी उन्होंने पॉजिटिव रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 4, सन 1994 में गोविंदा और करिश्मा कपूर की साथ में कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थीं। दुलारा के अलावा राजा बाबू, खुद्दार और प्रेम शक्ति में दोनों एक साथ नज़र आए थे। आगे चलकर भी इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म दुलारा के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।